नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय संस्कृत के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, जो आप लोगों का मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा में 7 मार्च को होने वाला पेपर रहेगा। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स 7 मार्च को जो पेपर देने वाले हैं, स्टूडेंट्स अगर आपने संस्कृत विषय को नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को जिस प्रकार से बताने वाला हूँ, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए अब बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स आ जाइए, जो जो दोस्त हमारे देखते जा रहे हैं, आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने दोस्तों को भी एक बार शेयर कर दें। जो जो जुड़ रहे हैं शेयर करते चले, ताकि हमारे नए दोस्त आएंगे वो शेयर कर देंगे, और सभी वीडियो को लाइक करते चले, ताकि फिर डबल हमें कुछ बोलने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, चलिए अब समय नज़दीक आ चुका है बच्चों, हम हमारी तैयारी को पूरी कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। अधोलिखितेषु बहुव्रीहि समास अस्ति। आगे जो ये 4 पद लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा उदाहरण बहुव्रीहि समास का है, ये कह रहा है। देखिए हम बात करें पितरों की, तो पितरों में हमसे पूछा है बहुव्रीहि समास का उदाहरण इन चारों में से कौन है, तो मैं आपको चारों ही प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। पितरों में जो समास है वो द्वंद्व समास है, अद्वितीय में नन तत्पुरुष समास है, नील कमलम में कर्मधारय समास है, बचा क्या दशानन, दशानन में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या निकल कर आएगा, दशानन। अगला क्वेश्चन, पंचपात्रम इत्यत्र समास अस्ति, पंचपात्रम में समास है, तो पंच आ रहा है तो द्विगु आ रहा है ना, इसमें 5 आया, इसमें द्विगु आया, क्योंकि द्विगु समास के सभी उदाहरण होते हैं वो जिसके आगे क्या आती है, संख्या आती है। अगला क्वेश्चन, बाण हता, बाण से मारा गया, इत्यस्मिन पदे समास अस्ति, किससे मारा गया, बाण से, बाण से, अब से किस में आता है, तत्पुरुष समास में आता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान से, संबंध का की, अधिकरण में पर, है ना, तो ये तत्पुरुष में आता है सब। अगला प्रश्न, नमस्ते इत्यत्र संधि अस्ति, नमस्ते में संधि पूछी है, कौन सी संधि है, तो नमस्ते में जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, अनादर इत्यस्मिन पदे समास अस्ति, अनादर में कौन सा समास है ये पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा नन तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, छपने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ से आपको कम से कम 60 से 65 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर में आपको। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोड़ते हुए मत जाइएगा, नहीं तो फिर मत बोलना कि इसमें से कुछ भी नहीं आया, पूरा छपने का छपने वाला है, यूँ मान के चलिएगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है पहला, फिर दूसरे का पहला, अधोलिखितेषु अव्ययम् अस्ति, यहाँ पर कह रहा है कि 4 शब्द लिखे हैं, इनमें से बताइए कौन सा अव्यय है। देखिए पठति तो क्या है, क्रिया, गमनम भी क्या है, क्रिया, गृहम क्या है, संज्ञा, लेकिन अद्य का मतलब होता है आज, और इस आज में कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब बदलाव नहीं आता है, तो वो क्या कहलाता है, फिर अव्यय आपका कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तत्र बालिकाः क्रीडन्ति, तत्र बालिकाः क्रीडन्ति, वहाँ बालिकाएँ खेलती हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि इस वाक्य में बताइए कौन से शब्द में कौन क्या अव्यय है, मतलब इस वाक्य पूरे वाक्य में बताना है अव्यय किस अव्यय का प्रयोग हुआ है। तत्र क्रीडन्ति बालकाः न कोऽपि, न कोऽपि का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, सॉरी। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो तत्र है हमारा, ये क्या है, अव्यय का काम करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रचार्य पदे उपसर्ग अस्ति, यहाँ पर कह रहा है कि प्रचार्य पद में कौन सा उपसर्ग है, बताइए प्रचार्य में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों हम अगर संस्कृत में पढ़ें तो संस्कृत में ये वाला उपसर्ग होता ही नहीं है, ये भी उपसर्ग नहीं होता है संस्कृत में, बचे कितने हैं 2,
तो प्रति उपसर्ग तो है नहीं यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला प्र उपसर्ग होता है संस्कृत में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधोलिखितेषु अव्ययम् नास्ति, आगे जो पद लिखे गए उनमें से अव्यय नहीं है। देखिए ये अव्यय है, ये भी है, ये भी है, लेकिन पूछा ये है क्वेश्चन में कि नहीं है, तो राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्निम वीना धूमः इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययमस्ति। तो यहाँ पर इतना जो वाक्य आया है इसमें पूछ रहा है कि अव्यय बताइए कौन सा है। तो यहाँ पर अग्नि तो हमारा संज्ञा शब्द है, धूमा भी हमारा संज्ञा शब्द है, बचा क्या वीना, वीना हमारा क्या है अव्यय है। वीना का मतलब होता है बिना, इसका हिंदी अर्थ, ये संस्कृत में लिखा है वीना, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है बिना। तो ये बिना का रूप परिवर्तित है वीना। आगे देखते हैं अगले प्रश्नों को, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, उचित विकल्प चुनकर लिखना है। इसमें कह रहा है बच्चों ध्यान से देखिएगा, अधोलिखितेषु कत्वतु प्रत्यय अस्ति, आगे जो लिखे गए हैं उनमें से कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु, तो यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय जो है वो हो जाएगा आपका बच्चों, इसमें आप सही आंसर लगाएंगे, कत्वतु प्रत्यय का क्या शेष रहता है, वान रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं वान किस में दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो होगा इष्टवान, इष्टवान आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो बालिका में पूछ रहा है कि बताइए बालिका शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा टाप प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, ज्ञातुम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, ज्ञातुम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, ज्ञातुम में प्रत्यय बताना है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तुमुन प्रत्यय राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आधाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, आधाय में प्रत्यय है, आधाय में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है, तो आधाय में जो प्रत्यय होगा वो होगा बच्चों ल्यप प्रत्यय आपका आंसर होगा, क्योंकि जिसके पीछे य रहता है रागे उपसर्ग रहता है, बीच में धातु दिखाई देती है, वहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जगन्नाथ इत्यत्र संधि अस्ति, यहाँ यूँ कह रहा है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि हमारा आंसर सही लगाएंगे। संधि उच्चेद क्या होगा जगन्नाथ का, जगत धन नाथ हमारा आंसर सही रहेगा, व्यंजन संधि के साथ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले जो क्वेश्चन रहेंगे वो लकार से रहेंगे। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक ईमानदारी से देखा ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ यहाँ से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही आपको सरल भाषा में और बिल्कुल अनुवाद करके बता रहा हूँ हिंदी संस्कृत से हिंदी में। देखिए पटती इत्यत्र लकार अस्ति, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पटती में कौन सा लकार है, तो देखिए हमने ट्रिक याद करी है लकार की, ती ता अंति, तो अब देखिए ये जो लकार की ट्रिक है वो लट लकार की है। ठीक है, तो इसमें लट लकार ऑप्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ग वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हम बात करें, अस्तु इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, यहाँ पर पूछ रहा है कि अस्तु में बताइए धातु क्या है, तो अस्तु में जो धातु है वो क्या है, अस धातु है। ठीक है, अस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, गच्छति इत्यत्र वचनम अस्ति, यहाँ पर कह रहा है कि गच्छति में बताइए कौन सा वचन है, तो अभी मैंने लिखा था ती ता अंति, तो बताइए ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन, तो यहाँ पर हमारा ती वाला सही हो जाएगा, तो ती कहाँ है, ये है, इसमें एक वचन ही हमारा आंसर सही रहेगा। यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो यहाँ पर बहुत ही ठीक है, यत्र रम पूजन्ते, यत्र कौन पूजन्ते, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, नार्यस्तु, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, नार्यस्तु। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वचना श्रेयस बहुति, देखिए असत्यस्य या दुर्जनस्य या सज्जनस्य या सत्यस्य, तो यहाँ पर सज्जनस्य, सज्जन के जो वचन होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, तो इस खालिस्तान में क्या जाएगा आपका, गा वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये वाला सज्जनस्य, सज्जन के जो वचन होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 5,
सज्जन इत्यत्र विलोम पदा अस्ति। अब यहाँ पर न्यू कह रहा है कि सज्जन का विलोम पद बताइए क्या होगा, बताइए सभी, आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं, देखता हूँ सबसे पहले कौन जवाब देता है, कितने बच्चों का बिल्कुल सभी का जवाब आ रहा है, तो सज्जन का जो होगा वो क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा, विलोम। सलील सलीलम सलीलम इत्यस्य पर्याय शब्दः अस्ति, सलीलम इत्यस्य पर्याय शब्दः अस्ति, तो सलीलम इत्यस्य पर्याय शब्द जो होता है वो हो जाएगा बच्चों जलम। हम पानी को क्या कहते हैं, जल कहते हैं और सलीलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भक्षकः इत्यस्य विलोम शब्दः अस्ति, भक्षकः का विलोम क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षकः, रक्षकः आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अधोलिखितेषु पंचमी विभक्ति अस्ति, तो अधोलिखितेषु पंचमी विभक्ति अस्ति, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा पंचमी जो विभक्ति है वो हो जाएगी मनसा, मनसा में आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। चलिए बढ़ते चलते हम आगे, धीरे धीरे चल रहे हैं, कछुए की तरह चलना है तो एक दिन निश्चित सफलता प्राप्त करोगे, क्योंकि हम कई दिनों से आप लोगों की तैयारी करवा रहे थे, धीरे धीरे करवा रहे थे, तो निश्चित रूप से आप सभी सफल होंगे, आपका संस्कृत का पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो। अधोलिखितेषु तृतीय विभक्ति अस्ति, आगे जो पद लिखे गए हैं उनमें से तृतीय विभक्ति किसमें है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो वाचे, वाचे में तृतीय विभक्ति आपकी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, आपके दो दो नंबर के प्रश्न रहेंगे, एक वाक्य में उत्तर देना है, मंत्रः कीदृशी भवति, वेदस्य मुखं किम स्मृतम, पुष्पकरण्यः नाम किम आसीत, और वसन्ते कायाग्निं का बाधते, और बालकाय किम रोचते। बाकी क्वेश्चन नंबर आप साथ देखेंगे, यहाँ पर कालिदासस्य परिचयम् लिखत, बाणभट्टस्य परिचयम् लिखत, जिसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं खालिस्तान, पूरा बताऊंगा अभी चिंता ना करें आप। महाभारते पर्वाणि संति, महाभारत में पर्व है कितने, और पुराणानि संति, पुराण कितने हैं, रामायणस्य रचिता अस्ति, रामायण के रचिता कौन है, और कालिदासस्य उपमा आ जाएगा इसमें, इसमें वाल्मीकि आ जाएगा, इसमें आपका अष्टादश आ जाएगा। तो यहाँ कालिस्तान तो मैं आपके पूरे करवा ही रहा हूँ, है ना, और इसमें अष्टादश आपका आ जाएगा। महाभारत में पर्व कितने हैं 18, और पुराण कितने हैं 18, रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने, और उपमा कालिदास की इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इन खालिस्तानों की पूर्ति करना है, तो यहाँ पर आपका उभयतः वृक्षः सन्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा नदीम, इसमें क्या आ जाएगा नदीम, ठीक है, नदीम पहले वाले खालिस्तान में, और बालकः जनकेन से यहाँ पर आ जाएगा आपणम, आपणम गच्छति, और यहाँ पर आ जाएगा देवाय नमः, ठीक है। इस प्रकार हमारे तीनों कालिस्तान ये भी हो गए पूरे। उसके बाद में यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, राम शब्दस्य तृतीय विभक्ति लिखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रामायण, ठीक है, सभी आंसर मिलेंगे आपको, चिंता ना करें। और युष्मत् शब्द की षष्ठी क्या होगी, तो इसकी होगी युष्मत् शब्द की तव, ठीक है, तव हो जाएगी, जैसे कि इसकी त्वम से त्वम, त्वम त्वया तुभ्यम, त्वत तव, तव हो जाएगी, राइट है। और नदी शब्द की सप्तमी विभक्ति क्या होगा, तो क्या होगा, हम जाएंगे बोल के नदी, नदीम, नद्या, नद्य है, नद्या, नद्य, नद्याम, क्या हो जाएगा, नद्याम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर है इसका। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आपको जोड़ी मिलाना है, ठीक है।
जोड़ी मिलाएंगे एक, तो एक का क्या हो जाता है बहु। छिपरम का मतलब होता है पंडित का क्या होता है मूर्ख, और महत का क्या होता है महत मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, और छिपरम मतलब होता है तेज, और सने मतलब होता है धीरे। ठीक, इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल गई। उसके बाद हम बात करें, इन प्रश्नों के उत्तर देना है, तो सभी क्वेश्चन तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये आपके गद्यांश पद्यांश से ध्यानपूर्वक इसको देख लीजिएगा और अच्छे से हल कर लीजिएगा। ठीक है, यहीं से देखकर आपको फील करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको श्लोक लिखना है सुभाषतानी पाठ का। ठीक है, अभी सुभाषतानी पाठ का मैं आपको श्लोक बता दूंगा, जिसके बाद में ये गद्यांश है जिसे पढ़कर इसी के उत्तर इसी में से देना है आपको। ठीक है, तो आप आराम से इसको सोल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। सभी गद्यांश पद्यांश को आपको सोल्व कर लेना है। उसके बाद हम बढ़ें आगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में, तो आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र करना है जो ऊपर अभी निकल गया, जिसके बाद में 21-22 से, तो यहाँ पर आपको कालिदास संस्कृत भाषा या परोपकार किसी एक विषय पर क्या लिखना, निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर हुआ आप लोगों का। आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, अब क्वेश्चन आंसर जो अभी आपको ऊपर नहीं बताए उनका आंसर सही बता देते हैं। अब दोनों पति दूर से तो जमा नहीं।